2014 में मैंने अपनी बीटेक की मैकेनिकल में, और उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 3.5 साल का वो था एजुकेशन सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। सारा कुछ सही जा रहा था अनटिल 2020 मार्च तक, जब सडनली एकदम से लॉकडाउन आया। अगर मुझे अपने आप को भी देखना था तो मुझे साथ में अपनी मम्मी को भी और अपने घर वालों को भी मुझे देखना था कहीं ना कहीं। बहुत सारे जो सवाल थे मेरे दिमाग में घूम रहे थे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय मल्होत्रा और मैं रहने वाला हूँ चंडीगढ़ शहर मनी माटा से। तो जैसे ही मैं घर पे बैठा तो जो भी कमाई के साधन थे, जो मैं एक अपनी बहुत अच्छी एक लाइफ जी रहा था, वो सडनली बिल्कुल रुक गए। तो गूगल पे सर्च करते करते मुझे पता चला लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के बारे में। तो जैसे ही मैंने सेफ जॉब वाले की टीम से बात की तो उन्होंने मेरे हर एक सवाल का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। अगले दिन ही इस कोर्स के लिए ऑप्ट मैंने कर लिया। सेफ जॉब टीम ने मुझे बहुत सारी हेल्प की, ना ही कि मुझे नॉलेज हुई बट मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी समझ आया कि अगर हम सीट पर बैठेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। फिर टाइम हमारा आया फाइनल मैच का, मीन्स हमारा प्लेसमेंट्स का। हमें तैयार किया गया कि हमें बोलना कैसे है, ड्रेसअप कैसे करना है, हमारी इंग्लिश, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, काफ़ी कंपनीज में मेरे इंटरव्यू हुए और सारे कंपनीज में मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छे हुए। तो फाइनली मुझे जहाँ काम करने का मौका मिला वो था सेफ एक्सप्रेस गुड़गांव ब्रांच में। वहाँ मुझे VMI मतलब वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री की पोस्ट पे काम करने का ऑफर मिला, जिसमें मैं मारुति और उनके वेंडर्स के साथ डील कर रहा हूँ अभी। मैं कहना चाहूँगा कि सेफ जॉब ने एक बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जहाँ आप अपने को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में आप अपनी पढ़ाई करते हुए इस कोर्स को ख़त्म भी कर सकते हैं। और यही नहीं, आपको जो प्लेसमेंट्स के लिए जो मोटिवेशन मिलेगी, जो पुश मिलेगा, जो हेल्प मिलेगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो फाइनली मैं थैंक्स करना चाहूँगा सेफ जॉब को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया और फाइनली अब मैं सेफ एक्सप्रेस में जॉब कर रहा हूँ।